फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 8.3 का थर्ड सवाल। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन बनते हैं उसको भी दबाएं ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 10 to A इक्वल cot A माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2A एक न्यून कोण हो। 2A एक न्यून कोण कहा जा रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री से यह छोटा है। तो A का मान ज्ञात कीजिए, यानी A की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये जो हमें दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ आप लिख लीजिए हल, और जो दिया हुआ है tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री, ओके। अब एक नजर इस पे देख लीजिए, यहां मैंने दो सूत्र लिखा हूं, tan थीटा इक्वल cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और cot थीटा इक्वल tan 90 डिग्री माइनस थीटा। फ्रेंड्स, डिग्री को अंश भी बोलते हैं, आपको जो सूटेबल लगता है वो आप बोलिए, ठीक है। तो यहाँ किसी इसको हम बदल लेते हैं, tan थीटा, ये जो हमारा 2a देख रहे हैं ये थीटा के स्थान पे है, क्लियर। तो यहाँ tan थीटा का सूत्र देख रहे हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो उसको हम बदलेंगे। तो लगाते हैं ये सूत्र, tan थीटा का सूत्र होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन थीटा के स्थान पे दिया 2a, तो लिखेंगे 2a, ओके। इक्वल है तो इक्वल लगाइए, अब cot है तो cot लिखिए, ठीक है, और a है तो a माइनस 18 डिग्री, तो 18 डिग्री, क्लियर। अब करना क्या है आपको, देखिए ये cot गुना का संबंध है, तो इसका अगर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ये बटा में आ जाएगा, आएगा ना, गुना का संबंध है इस दोनों में, तो पक्षांतर करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में जाएगा, तो बटे में जाएगा तो इसको हम काट सकते हैं वहां से। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ से इसको आप काट सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बचा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 2a, ओके, इक्वल है a माइनस 18 डिग्री, क्लियर। अब 90 डिग्री है तो, और यहाँ माइनस 2a है, और इक्वल में है a माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ एक चर वाला है और एक अचर वाला है, तो चर वाले को एक साइड रखेंगे और अचर वाले को एक साइड रखेंगे। तो चलिए दो पक्ष में इसको बांट लेते हैं, एक साइड चर वाला और एक साइड अचर वाला। तो आपको बता दूं कि ABCD में कि जितने भी अक्षर कोई लगा हो इसमें संख्या में, वो हो जाएगा हमारा चर वाला, बाकी जिस संख्या में ना लगा हो वो अचर वाले संख्या होगा, ठीक है। तो माइनस टू ए को हम इधर ही रहने देते हैं, ये माइनस टू ए तो माइनस टू ए लिख लेते हैं, और प्लस का ए है, पक्षांतर करेंगे इधर लाएंगे तो माइनस का ए होगा, इक्वल माइनस इधर ही रहने देते हैं 18 डिग्री, और प्लस 90 डिग्री है, तो इसका जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस का चिन्ह है तो ये आएगा माइनस का 90 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ करना क्या है, माइनस टू ए और माइनस ए दोनों को ऐड करेंगे। अब क्यों ऐड करेंगे, मैं आपको बता दूं, जब चिन्ह समान हो तो संख्या को ऐड कर देते हैं और उसका जो चिन्ह है वो भी लिख देते हैं। तो इस दोनों का चिन्ह समान है तो संख्या जुटेगा और अपना चिन्ह भी छोड़ जाएगा। तो माइनस टू ए और माइनस ए, माइनस का क्या होगा 3a, ओके, क्योंकि यहाँ चिन्ह समान है, चिन्ह भी अपना छोड़ दिया। इक्वल है तो लिखिए इक्वल, और माइनस 18 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, तो दोनों का चिन्ह समान है, ये भी माइनस में ये भी माइनस, तो चिन्ह समान हो तो संख्या जुटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 108 डिग्री, यानी 108 डिग्री, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसलिए ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब ए है तो ए लिखिए,
थ्री और ए के बीच गुना का संबंध था, तो जब गुना का संबंध हो तो पक्षांतर करेंगे तो बटा में जाएगा, यानी भाग के रूप में लिखा जाएगा। तो इक्वल 108 यानी 108 डिग्री बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बटा का मतलब भाग, तो इसका भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है उसको देखिए, यहाँ हम भाग देंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 36 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि हम जैसे लोगों का और भी कॉन्फिडेंस बढ़ सके। फ्रेंड्स लेकिन लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो कितने लोग पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, इसलिए लाइक जरूर करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।